तो कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा कक्षा 12वीं का जो है गणित का सेशन चल रहा था, मैथ हम पढ़ रहे थे इसमें, और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है संबंध और फलन का। हमने जो है 1.1 जो है उदाहरण सहित देखा है पूरा का पूरा, और आज जो है 1.2 का जो है कुछ उदाहरण बच गए थे जिसमें हम कह सकते हैं कि 12, 13 और 14 हैं, और उसके बाद कुछ प्रश्नों को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए एक बार फटाफट जुड़ जाइएगा, और सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रश्न लिया है बाबू, और ये जो प्रश्न है कह क्या रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा। उदाहरण संख्या 12, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जो है एन में परिभाषित है, एकैकी तथा अक्षादक दोनों ही हैं, और यहाँ पर आपको जो है कुछ इस प्रकार से देखा कि एफ एक्स जो है एक्स प्लस वन यदि एक्स विषम है, एक्स माइनस वन यदि एक्स सम है। बहुत ही आसान है, इसमें जो है बच्चा चार कंडीशन बन सकते हैं, और चारों कंडीशन पे हम जो है यहाँ पे पूरा का पूरा निकाल कर दिखाएंगे एकैकी और अक्षादक फलन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कंडीशन एक की बच्चों, ठीक है ना। अगर कंडीशन एक की बात होगी तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि ये सम है और सॉरी ये विषम है और ये सम है। तो अच्छा एक बात बताइए, हम सम विषम की जब बात करते हैं तो समुच्चय यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे समुच्चय, ठीक है ना। समझने के लिए ज़्यादा ध्यान देंगे, ये समुच्चय n और समुच्चय n का n में परिभाषित है। एक बात ज़रा बताइए, n का मतलब नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या होता है। ऐसे करते करते यहाँ आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कह रहा कि अगर x प्लस वन विषम है, x प्लस वन में x विषम है, x विषम होगा मतलब 1, 2, 3, 1, 3, 5 ऐसे रखा जाएगा। अगर एक रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, कितना हो जाएगा, अगर x बराबर आपने यहाँ पे बेटा एक रखा तो ये फलन जो है आपका 2 आएगा, x बराबर अगर आपने यहाँ पे 3 रखा तो फलन जो है 4 आएगा, x बराबर अगर आपने फलन 5 रखा तो लालू कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब एक का फलन कितना आ रहा है 2, यहाँ पे 3 का फलन जो है बेटा वो आ रहा है आपका 4, ठीक है ना, और आप कह सकते हैं कि 5 का जो फलन है वो आपका रहा है 6। बात समझ में आई। उसी प्रकार से यदि हम क्या ले लें कि x माइनस वन के लिए ले लें, तो x यहाँ पे क्या है सम है ना, तो x की वैल्यू सम रखेंगे यानी 2, x की वैल्यू कितना रखेंगे 4, x की वैल्यू जो है हम यहाँ पे 6 रख सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पे रखिए 2, 2 माइनस 1 बराबर 1, 4 रखेंगे 4 माइनस 1 बराबर 3, 6 रखेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 बराबर 5, यानी कितना होगा, ये जो 2 है ना वो 2 कनेक्ट करेगा 1 से, 4 कनेक्ट करेगा आपका 3 से, देखिए यहाँ पे 4 3 से, क्योंकि 4 जब रखें 3 आ रहा है, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 ले सकते हैं, 6 कनेक्ट करेगा बेटा किससे आपका यहाँ पे 5 से। यानी कि आप देख रहे हो कि सबका एक एक बार ही संबंध बन रहा है, ठीक है बच्चों, एक एक बार संबंध बनेगा। तो मैंने आपसे कहा था एक ही के लिए क्या होना चाहिए, एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, या वो पूर्व प्रतिबिंब बने या फिर कह सकते हैं प्रतिबिंब बने, यहाँ पे केवल एक बार प्रतिबिंब बनना चाहिए, दो बार नहीं बनना चाहिए बाबू, ठीक है ना, दो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबका एक एक बार ही क्या हो रहा है प्रतिबिंब बनना है, तो ये एकैकिक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये एकैकिक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको अक्षादक में समझाया था कि जितने भी नेचुरल नंबर इधर के हैं उन सारे नेचुरल नंबर का इधर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए कहेंगे ये अक्षादक भी है, लेकिन हमें लिखना होता है गणितीय फॉर्म में। तो ये मैंने आपको बना के दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है बाबू। चलिए अब जो है ना आते हैं थोड़ा सा इसको गणितीय फॉर्म में कैसे लिखेंगे उस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं इसे जो है मिटा देता हूँ, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप इसको उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पीछे करके वीडियो को। अब एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा कि x प्लस वन यहाँ पे सम है, तो सबसे पहले एक बात है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक्स वन और ये क्या मान लिया बराबर यहाँ पे बेटा जो है एक्स टू मान लिया, और हमने ये कहा, क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक बार जब हम एक्स वन एक्स टू रखे हैं ना, तो एक बात ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एकैकिक होगा कैसे होगा मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया यहाँ पे, लेकिन कंडीशन जो है ना कंडीशन के आधार पे ये चेंज होता रहेगा। अगर मान लीजिए पहले कंडीशन में मान लें कि एक्स वन क्या है बेटा सम है, एक्स वन सम है व एक्स टू क्या है बेटा विषम है, ठीक है ना, एक्स वन सम है और एक्स टू विषम है। तो एक बात है, जब इस प्रकार का आपको दिया जाता है तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक्स वन बराबर एक्स टू यदि एकैकिक है, तो क्योंकि मैंने अभी सिद्ध किया था कि ये क्या है एकैकिक है, तो एक बात है एक्स वन को मैंने क्या माना है यहाँ पे सम माना है बच्चों। अगर एक्स वन को सम माना है तो सम के लिए क्या रखेंगे एक्स वन माइनस वन रखेंगे, अब क्या रखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स वन रख देंगे एक्स वन की जगह पे, और सम के लिए क्या था एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन हो जाएगा। एक्स टू को हमने विषम माना है तो विषम वाला मान रखेंगे, तो एक्स टू
प्लस वन हो जाएगा। अब सुनिए ज़रा, इसको इधर लेके आएंगे तो x1 वन माइनस एक्स टू बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा ना, तो माइनस वन जाएगा प्लस वन यानी कि दो हो जाएगा। बेटा एक बात बताइएगा, मैंने आपसे कहा था कि एकैकिक होने के लिए, याद रखिएगा, एकैकिक होने के लिए बराबर होना आवश्यक है। अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे तो कह रहा है कि देखो ये जो है आपका दो के बराबर है, तो फिर आप कहोगे सर जी आपने तो बताया था कि एक्स वन और एक्स टू बराबर होने चाहिए तभी एकैकिक आएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बराबर आ गया। तो बेटा मैं कहूँगा कि ये गलत कथन है, ये जो भी आपका बराबर आया है ना, ये जो भी आपका बराबर आया है वो बेटा गलत कथन है। क्यों गलत कथन है ये भी जरा समझिए। एक्स वन को हमने क्या माना था, सम संख्या, एक्स टू को हमने माना था विषम संख्या, और सम संख्या में से विषम संख्या घटाई जा रही है, और जब भी सम संख्या से विषम संख्या घटाई जाती है तो हमेशा विषम संख्या आती है। अब बताओ ये कथन गलत है कि नहीं है, आप देख लो जरा, यहाँ पे प्रैक्टिकल लेके कर लो। आठ में से आठ सम संख्या है, इसमें कोई विषम संख्या घटाइए, मान लीजिए तीन घटाए कितना आ गया, पाँच आ गया, आया कि नहीं आया, पाँच। तो हमेशा सम संख्या में से विषम संख्या घटाएंगे तो हमेशा विषम संख्या ही आएगी, इस वजह से ये कथन गलत है। और जब ये कथन ही गलत है तो हमारा क्या होगा, ये एकैकिक मान होगा, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि अतः यहाँ पे ये बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप समझ सकते हैं, इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे एक्स वन और यहाँ पे जो आपका एफ एक्स टू है वो खुद ही बराबर नहीं है, तो ये कहाँ से बराबर आएगा। जब ये खुद बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं होगा तो समझ जाइएगा कि क्या होगा, एकैकिक फलन है, यानी कि हम क्या कह देंगे बेटा, यहाँ पे एकैकी फलन है, फलन है। एकैकी मैं आपको पहले ही सिद्ध कर चुका हूँ चित्र से, आप वहाँ पहले देख चुके हैं, वो एकैकी फलन ही है, बस यहाँ पे चारों कंडीशन को डिफाइन कर रहे हैं। अगला देखिए यहाँ पे, अगर ये एकैकी फलन है तो अक्षादक के लिए भी आप सिद्ध कर सकते हो, अक्षादक है कि नहीं। मैंने अभी आपको बताया था कि अक्षादक में सारे प्रतिबिंब बने थे, पूर्व प्रतिबिंब, तो वो अक्षादक होगा, उसको छोड़िए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा, यहाँ पे अगर क्या हो जाए बेटा, यहाँ पे एक्स टू जो है, सॉरी एक्स वन विषम हो जाए, दूसरे कंडीशन में देखेंगे एक्स वन विषम हो जाए व एक्स टू जो है सम हो जाए, ठीक है बाबू, तब क्या होगा, यहाँ पे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, अगर ये एकैकिक है तो ऐसा होना चाहिए। ज़रा ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे एक्स वन क्या है, विषम है ना बाबू, तो विषम के लिए क्या रखेंगे, यहाँ पे एक्स वन प्लस वन रखेंगे, एक्स टू यहाँ पे सम कह रहा हूँ तो सम के लिए क्या होगा, एक्स टू माइनस वन। बेटा इसको वापस इधर लेके आए या फिर जहाँ भी गए, मैं इसको उधर लेके चला जाता हूँ, ये एक्स टू वहीं रख दीजिएगा, इसको आप लाएंगे तो एक्स वन हो जाएगा और ये माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन के साथ दो हो जाएगा। अब ज़रा बताइए, फिर से ये कंडीशन बन के आ गया, फिर आप कहेंगे सर जी ये तो वापस एक्स टू क्या था, सम था और एक्स वन विषम है ना, तो सम में से विषम घटाएंगे तो हमेशा विषम आना चाहिए, तो फिर से सम आ गया, ठीक है ना। यानी ये कथन गलत है, और ये कथन गलत है तब हम कहेंगे एकैकी है, अगर ये कथन सही हो जाता तो एकैकी होता ही नहीं, क्योंकि एकैकी में क्या होता है, एक्स वन बराबर एक्स टू होता है, ठीक है ना। इसलिए आप कह देंगे कि ये कथन क्या है, गलत है, अतः यहाँ पे वापस से आप क्या कहेंगे कि एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है बच्चों, इसलिए क्या होगा, इसलिए एकैकी है, एकैकी फलन है बाबू, ठीक है ना। अगला कंडीशन, तीसरा कंडीशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर क्या हो एक्स वन व एक्स टू दोनों क्या हो बेटा, सम हो, एक्स वन एक्स टू दोनों सम हो तो क्या होगा, एफ एक्स वन बराबर क्या होगा, एफ एक्स टू हो जाएगा। एक्स वन सम है तो सम के लिए क्या था, एक्स वन माइनस वन था, एक्स टू सम है बेटा तो एक्स टू माइनस वन, क्योंकि सम के लिए क्या था, एक्स माइनस वन था ना, तो एक्स वन एक्स टू दोनों सम है इसलिए माइनस वन का यूज हुआ, ये दोनों कट गए, यानी एक्स वन बराबर क्या आ गया, एक्स टू आ गया। और ये जब दोनों बराबर आते हैं, एक्स वन बराबर एक्स टू आता है, तो मैं आपको बार बार कहता आया हूँ कि वो क्या होगा, एकैकी फलन होगा, एकैकी फलन होगा बाबू, ठीक है ना। चलिए एकैकी फलन है। अब अगला कंडीशन, चौथा कंडीशन बेटा यहाँ पे आप देखेंगे, चौथा कंडीशन क्या है, यदि एक्स वन व एक्स टू क्या हो जाए, विषम हो तो क्या होगा, एफ एक्स वन बराबर क्या होगा, एफ एक्स टू हो जाएगा बेटा। और एक्स वन विषम है यानी कि एक्स वन प्लस वन, एक्स टू विषम है यानी कि एक्स टू प्लस वन, प्लस वन से प्लस वन ख़त्म, एक्स वन बराबर क्या आ गया, एक्स टू। और जब ये कंडीशन आ जाए तो आप कहेंगे क्या है, एकैकी फलन है। बात समझ में आई, एकैकी फलन है बाबू, मज़ा आ गया। अक्षादक के लिए लिख दीजिएगा कि चूंकि क्या है, अक्षादक के लिए लिख दीजिएगा, अगर आप अक्षादक ले जाएंगे, अक्षादक, ठीक है बाबू, अक्षादक के लिए जाएंगे ना आप, तो सीधे कहिएगा कि जो अक्षादक फलन है बाबू, उसमें प्रांत का, प्रत्येक प्रांत का जो है पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त है बच्चों, ठीक है ना।
प्रत्येक, ठीक है बाबू, प्रत्येक प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या बच्चों प्राप्त है हमें, प्राप्त है, कोई समस्या नहीं, इसलिए क्या होगा अक्षादक भी होगा। तो इसलिए जो है आप फटाक से जो है बेटा इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं और अगले उदाहरण को देखने का प्रयत्न करते हैं यहाँ पे बाबू, ठीक है ना। चलिए एक बार जो है इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं यहाँ बेटा, क्योंकि जितने भी प्रश्न होने वाले हैं यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सारे प्रश्नों को जो है आप एक बार देखते चलेंगे ताकि जो है कोई समस्या न आए, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे चलिए आगे जो है प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, आइए आते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बच्चों, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या है, उदाहरण संख्या 13, सिद्ध कीजिए कि अक्षादक फलन एफ जो है आपका 1, 2, 3 जो है वो क्या है बच्चों, संबंधित किससे, परिभाषित आपका किससे, 1, 2, 3 से। सदैव एक ही फलन है, एक ही फलन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अवयवों की संख्या समान है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। जब भी एक ही फलन आप चेक करने जाएंगे, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए अक्षादक फलन, यानी कि जो अक्षादक फलन है वो सदैव एक ही है इस कंडीशन में अंदर, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या कि जो यहाँ पे दोनों संख्याएं हैं यानी कि समुच्चय के अंदर कितनी बेटा 1, 2, 3 वो परिभाषित है खुद की संख्याओं से 1, 2, 3 से। बात समझ आ रही है, यानी एक का संबंध एक के साथ हो सकता है, 2 का 2 के साथ हो सकता है और 3 का 3 के साथ हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 का 1 के साथ ही हो सकता है कि 1 का 2 के भी साथ हो जाए, 2 का 1 के भी साथ हो जाए और यहाँ पे 3 के साथ भी हो जाए बच्चों, ठीक है ना। यानी यहाँ पे संख्याएं बराबर हैं, कह सकते हैं यहाँ पे दोनों समुच्चयों में यहाँ पे जो है अवयवों की संख्या बराबर होने के कारण ये क्या हो जाएगी बेटा, एक ही फलन हो जाएगी। इसलिए एक ही हो जाएगी कि सबका संबंध जो है एक दूसरे से आ जाएगा। और वो कह रहा है कि ये अक्षादक फलन है, और अक्षादक है मतलब क्या होगा, इसका संपूर्ण प्रतिबिंब इधर प्राप्त होगा, याद है ना, इसका संपूर्ण प्रतिबिंब जो है बेटा वो पूर्व प्रतिबिंब इसमें इधर प्राप्त होगा। तो याद रखेंगे यहाँ एक भी अवयव खाली नहीं होंगे क्योंकि वो क्या है अक्षादक है। इसलिए आप कहेंगे यहाँ पे चूंकि यहाँ पे संपूर्ण, यहाँ पे कहेंगे ना कि अवयवों की संख्या, यहाँ पे मैं ले लूँ ए और यहाँ पे ले लूँ बी, या फिर आप कह सकते हैं ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है परिसर और ये कहलाता है सह प्रांत। तो आप कहेंगे बेटा कि परिसर में अवयवों की संख्या, परिसर में अवयवों की संख्या बराबर क्या है बेटा, सह प्रांत में, ठीक है बाबू, सह प्रांत में अवयवों की संख्या, अगर जब ये दोनों बराबर हो जाए तो समझ जाइएगा बाबू कि क्या है, ये दोनों जो है बेटा वो क्या है, एक ही फलन है। इस चीज़ को आप याद रखिए, अतः यहाँ लिखेंगे अतः क्या है, यहाँ पे एक ही फलन है बाबू, ठीक है ना, समाप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है 14 नंबर, तो 14वां बताने की आपको ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। 14वां भी एग्जाम्पल जो है सेम इसी प्रकार का है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना जो है अपना प्रश्नावली बच्चों, ठीक है। आइए अब जो है यहाँ पे प्रश्नावली का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f r से जो है यहाँ पे r में परिभाषित है एकैकित तथा अक्षादक है, जहाँ r स्टार सभी शून्यतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। शून्यतर का मतलब कि शून्य से अलग, ठीक है बच्चों, सभी क्या है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सबसे पहले जो है हम यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है ना, यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर आगे कह रहा है ना कि यदि प्रांत R को N में बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वतः R ही रहे तो भी क्या होगा, जरा ध्यान से समझना है बच्चों। यहाँ पे मेरे कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि सबसे पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब क्या है आपका जो फलन है बेटा वो R में परिभाषित है और fx जो हमारा दिया गया है बेटा वो क्या दिया गया, 1/x दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर एकैकी के लिए क्या करते हैं, x1 बराबर क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे x2 करते हैं, fx2 करते हैं। इसलिए अगर fx बराबर 1/x है तो क्या होगा, fx1 बराबर क्या होगा, 1/x1 होगा बराबर यहाँ पे 1/x2 होगा।
तो बेटा देखोगे आप यहाँ पे एक बटा में इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, x1 हो जाएगा, तो ये भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x2 हो जाएगा, और जब भी x1 x2 के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे ये क्या है, एक है कि फलन है बाबू, ठीक है ना, एक है कि फलन है। अब जरा ध्यान दीजिएगा अक्षाधक फलन के लिए क्या होगा, ठीक है ना, अगर हम अक्षाधक देखेंगे, अक्षाधक फलन के लिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक बात ज़रा आप लोग सभी लोग बताइए कि चूंकि यहाँ पे y जो है उसी को हम यहाँ पे एफ एक्स मानते हैं, और हम सभी जानते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है एक बटा में x, और x बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा में y। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर y की कोई भी वैल्यू रखेंगे शून्य के अलग, शून्य से अलग रखेंगे बच्चों, तो शून्य से अलग अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो वास्तविक संख्या ही आएगी, बात समझिएगा, वो वास्तविक संख्या ही आएगी जो कि आपके प्रांत में उसको रिलेट करेगा। क्योंकि अगर x पे आप देखें, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैंने दो रखा तो यहाँ पे क्या होगा, एक बटा दो वास्तविक संख्या ही है और दो भी वास्तविक संख्या है, मतलब एक वास्तविक संख्या किससे कहेगा बच्चा, संबंध रखता है, वास्तविक संख्या के साथ परिभाषित है, ये हमारा कथन क्या है, ये हमारा कथन इससे जो है क्या हो रहा है बेटा, वो संबंधित है, मतलब फॉलो कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या है बेटा, अक्षाधक है, क्या है, अक्षाधक है यहाँ पे, ठीक है बाबू, अक्षाधक है, बात समझ आई, अक्षाधक है, ठीक है बच्चों, क्योंकि आप कहेंगे क्योंकि प्रांत में इसका क्या है बेटा, आप कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे जो y है ना वो तो बिलोंग कर ही रहा है R से, y जो बिलोंग कर रहा है R से, इसलिए आप कहेंगे क्योंकि इसका जो इस प्रांत में इसका जो बेटा पूर्व प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब स्थापित है, इसलिए जो ये अक्षाधक फलन है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। तो इसको जो यहाँ तक का पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहने का प्रयत्न कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है ना कि अगर आर को, याद रखिएगा, अगर प्रांत आर को एन में बदल दें तो इसको हम प्रांत कहते हैं बेटा, और इसको जो है सह प्रांत कहते हैं, यदि प्रांत को एन में बदल दें, ठीक है ना, यानी कि एफ जो है एन में चेंज हो गया, और ये आर जो है बेटा किस में चेंज हो गया, एन में, कह रहा है कि जबकि सह प्रांत, ये सह प्रांत है, आर ही रहे, सह प्रांत क्या रहे बेटा, आर ही रहे, तो भी क्या रिजल्ट यही निकल के आएगा क्या, आइए चेक करते हैं। चूंकि किस में चेंज हो गया बाबू, यहाँ पे ये तो एक कह सकते हैं कि यहाँ पे दो समुच्चय बन गए, दो समुच्चय का मतलब क्या हो गया, एक समुच्चय एन है, ठीक है बच्चों, एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं में क्या आएगा, एक दो तीन, वास्तविक संख्याओं में एक दो तीन भी आएगा, एक बटा दो भी आएगा, बटा तीन भी आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, ये सारे आ सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक है कि फलन है कि नहीं चेक करते हैं, चूँकि एफ एक्स बराबर कितना है बेटा, एक बटा में आपका क्या है एक्स है, तो एफ एक्स वन बराबर क्या होगा, एफ एक्स टू होगा, कोई समस्या है, कहेंगे नहीं, इसके जगह पे क्या रखते हैं, एक बटा में एक्स वन, यहाँ पे क्या रखते हैं, एक बटा में एक्स टू, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो वापस से क्या होगा, एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाएगा, और ये आ गया आपका, बात समझ आई, क्योंकि अगर आप यहाँ पे दो रखेंगे तो ये भी दो हो जाएगा, और दो दो क्या होंगे यहाँ पे, दोनों ही जो होंगे बच्चे वो एक तरह से कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या से रिलेट करेगा। तो यहाँ पे एक्स वन बराबर एक्स टू जैसे आया, आप कहेंगे ये क्या है, एकैकी है, क्या है बेटा, एकैकी है, ठीक है ना, लेकिन ज़रा ध्यान दीजिएगा, अक्षाधक में बेटा अगर हम चेक करने का प्रयत्न करें तो क्या होगा, चूँकि आप सभी जानते हो कि वाई बराबर किसके बराबर, एफ एक्स के बराबर, और एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ एक्स जो है वन अपॉन एक्स के बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो एक बटा में वाई आएगा, और यदि आप वाई का वैल्यू कहीं भूल करके दो रख दिए, यदि वाई का वैल्यू भूल करके दो रख दिए तो एक बटा दो हो जाएगा, और जब एक बटा दो हो जाएगा तो एक बटा दो बताइए, क्योंकि एक्स क्या है आपका नेचुरल नंबर है, एन है, और ये एक बटा दो है, क्या नेचुरल नंबर बेटा, नेचुरल नंबर वास्तविक संख्या के बराबर होता है क्या, नेचुरल नंबर में वास्तविक संख्या बराबर होती है क्या, होती है, हर कंडीशन में नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या दो भी है, वास्तविक संख्या बेटा दो है, लेकिन आप यहाँ पे दो रखेंगे तो एक बटा दो आ जाएगा, एक बटा दो नेचुरल संख्या नहीं है, एक बटा दो जो है नेचुरल संख्या नहीं है, इसलिए सदैव ऐसे कंडीशन में क्या होता है, सदैव जो है ऐसा कंडीशन नहीं बनेगा कि ये क्या हो, ये दोनों बराबर ही हो, इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं चूँकि y जो है ना वो बिलोंग करेगा R से, ठीक है ना, R से, लेकिन x किससे बिलोंग करेगा, वो कर रहा है नेचुरल नंबर से, इसलिए एक बटा दो जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। अगर मान लिया y का वैल्यू दो रखिए तो एक बटा दो आएगा, x एक बटा दो कभी आ सकता है, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो x है वो क्या है नेचुरल नंबर है, लेकिन एक बटा दो जो है
वो नेचुरल नंबर नहीं है, एक दो तीन चार ऐसे करते करते अनंत तक संख्याएं जाएंगी वो नेचुरल नंबर कहलाएंगी, लेकिन यहाँ पे क्या एक बटा दो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये अक्षादक नहीं होगा। क्या होगा बेटा? अक्षादक नहीं है। कोई समस्या है बाबू? यहाँ पे दोनों आंसर निकल के आ गए, तो इसका जो एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए बेटा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए बच्चों, यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, दो नंबर, ठीक है ना। निम्नलिखित फलों के एक एक अक्षादक गुणों की जाँच कीजिए, और यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से जो बेटा हम जो तीसरा प्रश्न आपको नहीं बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि तीसरा जो है ना उदाहरण दो जो आपको मैंने बताया था सेम क्वेश्चन है। उदाहरण दो, ये उदाहरण दो का क्वेश्चन है, याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलिए अब थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर पहले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है बाबू। तो क्या होगा? एफ एक्स बराबर एफ एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, और फलन क्या गया? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है। तो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर में अगर परिभाषित है, तो एक एक ही जाँच करने के लिए आप जानते हो कि क्या होगा यहाँ पे एफ एक्स वन बराबर क्या होगा बेटा एफ एक्स टू होता है। तो एफ एक्स वन की जगह पे क्या होगा यहाँ पे एक्स वन का स्क्वायर बराबर एक्स टू की जगह क्या होगा एक्स टू का स्क्वायर। और आप सभी लोग जानते हो कि एक्स वन बराबर अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस एक्स टू आएगा। लेकिन जरा एक बात बताइए, क्या नेचुरल नंबर माइनस में होती है क्या? नेचुरल नंबर माइनस में होता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक दो तीन चार से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होगा, तो प्लस लगाने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो क्या कहलाएगा ये? एकैकी है बाबू। क्या है? एकैकी फलन है। दूसरी चीज़ अगर अक्षादक चेक करेंगे, यहाँ पे अक्षादक चेक करेंगे बाबू ना, तो क्या आएगा जरा ध्यान दीजिएगा। चूँकि वाई बराबर क्या होगा आपका एफ एक्स होता है, ठीक है ना, मैंने आपको पीछे भी बताते चलाया हूँ। और वाई बाई एफ एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, या आप एक्स स्क्वायर बराबर वाई भी कह सकते हैं, या एक्स बराबर करणी में, यहाँ पे देखिएगा एक्स बराबर प्लस माइनस करणी में जो है वाई हो जाएगा। तो एक बात बताइएगा ज़रा, वाई के सभी मानों के लिए जो है ना यहाँ पे ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे कि माइनस अगर सामने आ रहा है तो नेचुरल नंबर तो आप कह सकते हैं कि माइनस में आता नहीं है वैसे भी, लेकिन करणी में अगर आपको कर दो दे दिया गया तो करणी में दो आ जाएगा क्या? करणी में दो नेचुरल नंबर है क्या? करणी में दो नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, इसलिए बेटा ये क्या है? अक्षादक नहीं है। क्या होगा ये? अक्षादक नहीं है, ठीक है बाबू, अक्षादक नहीं है। बात समझ में आई? चलिए अब जो है बेटा आगे चलते हैं, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है उनको भी देखते चलते हैं। यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? पूर्णांक से पूर्णांक में, पूर्णांक संख्या से जो है पूर्णांक संख्या में परिभाषित है, इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फलन है आपका x बराबर एक्स स्क्वायर, इसके लिए आप बेटा कर क्या सकते हैं कि x1 मैंने जैसे पीछे किया था सेम उसी प्रकार से x2 का स्क्वायर, या फिर x1 बराबर प्लस माइनस x2, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस देंगे। और यदि प्लस माइनस आ गया तो प्लस वाला तो बराबर होगा, लेकिन क्या माइनस वाला x2 बराबर होगा कि x1 के? नहीं बराबर होगा, अतः यहाँ बराबर होना आवश्यक है, यहाँ बराबर नहीं हो रहा है माइनस वाला, इसलिए कहते हैं अतः एकैकी क्या है बेटा? एकैकी फलन नहीं है, एकैकी फलन नहीं है बाबू, ठीक है ना। अक्षादक के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा? अक्षादक बेटा, अक्षादक के लिए अगर आप चेक करोगे तो सीधे सीधे आप जान सकते हो अक्षादक में कि चूंकि वाई बराबर क्या होता है? एफ एक्स होता है, और एफ एक्स बराबर क्या दिया? एक्स स्क्वायर दिया, यानी एक्स बराबर क्या निकलेगा? प्लस माइनस वाई निकलेगा। और पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या में अगर बेटा यहाँ पे माइनस दो रख दिया या फिर दो रख दिया तो वो पूर्णांक संख्या नहीं कही जाएगी। जैसे मान लीजिए माइनस दो रख दिया आपने, तो इस प्रकार सारी संख्याओं के लिए ये जो होगा सत्य नहीं होगा, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पे अक्षादक भी नहीं है। क्या बेटा? अक्षादक, अक्षादक नहीं है, याद रखिएगा अक्षादक नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन सारी संख्याओं के लिए फॉलो नहीं करेगा बाबू, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको जो तीसरा प्रश्न है ये उदाहरण दो है, मैंने जो बताया था इसका उदाहरण दो, इसको आप जाकर देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, ठीक है बाबू। आगे चलते हैं, बस उदाहरण दो ही आप जो है जाकर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का मैंने हल कराया, ऐसा नहीं कि हल नहीं कराया बाबू, ठीक है। अब आइए आते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। यहाँ पे जो अगला दिया गया है आपका, यहाँ पे जो एफ एक्स है वो एक्स क्यू में परिभाषित है, तो बेटा यहाँ पे नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर में परिभाषित है बच्चों, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि एफ एक्स वन बराबर क्या होता है? एफ एक्स टू होता है, और इसके जगह पे रख लेंगे एक्स वन का क्यू बराबर एक्स टू का क्यू। तो आप जानते हैं क्यू अगर हटाएंगे तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस का कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा बाबू, ठीक है ना। तो आप समझ गए ये क्या है? एकैकी है। क्या बेटा? एकैकी फलन है। आगे अगर अक्षादक देखेंगे आप, अक्षादक
तो अक्षाधक फलन के लिए क्या होगा, जरा ध्यान समझिएगा कि चूंकि y बराबर क्या होगा x क्यूब हो जाएगा, या x क्यूब बराबर यहाँ पे y हो जाएगा, x बराबर y पे एक बटा में तीन हो जाएगा। क्या ये x नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल नंबर है क्या? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने इसका मान दो रख दिया तो दो के घात एक बटा तीन आएगा, और ये नेचुरल नंबर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसलिए आप कहेंगे, इसलिए क्या है, अक्षाधक अक्षाधक नहीं है। एक प्रश्न जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग जो है करके जो है आप लोग कल जरूर आएंगे, ठीक है बच्चों, करके जो है आप कमेंट में इसको ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर कैसे आएगा, ये अक्षाधक है एकैकी है या नहीं है बच्चों, ठीक है ना। चलिए, आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय।